कहते हैं इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि ये घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। 27 जुलाई 1987 का दिन उस बड़ी घटना से जुड़ा है जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं, लेकिन साथ ही उनमें उस यात्रा को लेकर रोमांच भी जिंदा रहता है। बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की, जो 1912 में अपनी पहली ही यात्रा के दौरान एक बर्फ की बड़ी चट्टान से टकराकर डूब गया था। और इस घटना के सालों बाद 27 जुलाई 1987 को पहली बार इस जहाज का मलबा खोजा गया था। आज का इतिहास भारतीय एथलेटिक्स के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था। आज ही के दिन 27 जुलाई 1994 को भारतीय शूटर जसपाल राणा ने इटली में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने रिकॉर्ड स्कोर बनाकर तहलका मचा दिया था। जसपाल राणा के नाम कई सफलताएं दर्ज है, लेकिन इस सफलता के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 27 जुलाई का इतिहास भारतीय क्रांतिकारियों से भी जुड़ा है, जिनके शौर्य और बलिदान की बदौलत आज हम आजाद देश बनकर फिर एक बार विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। 27 जुलाई 1897 में पहली बार उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने ही दिया था। जेल में रहने के दौरान ही तिलक ने 400 पन्नों की किताब गीता रहस्य भी लिखी थी।